morning, guys. Today we'll be looking at angle subtended at the intersection of two chords. Yesterday we saw angle subtended at the center of the circle, and from there on we inferred how to find angle subtended at the circumference of the circle. तो आज ये पार्ट करना है एंगल सबटेंडेड एट द इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉर्ड्स. चलो एग्जांपल से ही समझते हैं. मान लो ये सर्कल है, फिर लेट्स से ए बी इज ए कॉर्ड एंड बी सी इज ऑल्सो अ कॉर्ड. फिर लेट्स से ओ इज द सेंटर डेटा दिया हुआ है. एंगल ए ओ बी इज लेट्स से 70 डिग्री. ये एंगल ये सेंटर पर एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज आपको 70 डिग्री. एंड एंगल बी ओ सी इज लेट्स से आपको 60 डिग्री. एंगल बी ओ सी 60 डिग्री. तो क्वेश्चन है वी नीड टू फाइंड angle BPC. Angle BPC has to be found out. BPC निकालना. चलो आराम से सोचना चालू करो. काफी लोग जल्दीबाजी में आंसर दे देंगे कि सेंटर पे बन रहा है 60 डिग्री. हाँ तो ये इसका आधा हो जाएगा 30 डिग्री. वो गलती मत करना गाइस. ये एंगल जो एंगल BPC बन रहा है इट्स नॉट एट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. सर्कमफ्रेंस पे नहीं है. हाँ तो वो गलती मत कर देना और आधा मत लिख देना. सेंटर वाला 60 है तो सर्कमफ्रेंस वाला आधा होता है. हाँ तो ये एंगल निकालने के लिए मेरे को राउंड अबाउट वे में जाना पड़ेगा. राउंड अबाउट वे मतलब इन ट्रायंगल बीपीसी. कॉन्सेंट्रेट ऑन द ट्रायंगल आपको बीपीसी. हाँ सबसे पहले मेरे को ये एंगल निकालना पड़ेगा, उसके बाद ये एंगल निकालना पड़ेगा. मीन्स पहले एंगल पीबीसी निकालूंगा और एंगल पीसी भी निकालूंगा और ये दोनों मिल गया तो ऑब्वियस है ट्रायंगल का थर्ड एंगल तो मिल जाएगा. और ये दोनों इसी के लिए निकाल सकते हैं क्योंकि ये दोनों दीज टू एंगल्स आर बीइंग सबटेंडेड एट द सर्कमफेरेंस. आई होप यू गाइस कैन आइडेंटिफाई सबटेंडेड एट द सर्कमफेरेंस पे बन रहा है. चलो सबसे पहले ये वाला एंगल निकालते हैं. हाँ ये वाला एंगल, ये एंगल सर्कमफेरेंस पे बन रहा है. अब सबसे पहले देखो ये एंगल कौन सा कॉर्ड बना रहा है. जो एंगल आपको ये है एंगल पीसीबी है, ये एबी कॉर्ड बना रहा है. एबी एबी कॉर्ड इज सबटेंडिंग दिस वाला एंगल एट द सर्कमफेरेंस. हाँ तो फिर अगला थॉट है एबी कॉर्ड सेंटर पे कितना बना रहा है. एबी कॉर्ड सेंटर पे बना रहा है आपको 70 डिग्री. हाँ तो एंगल पीसीबी मतलब कि ये जो एंगल है ये हाफ हो जाएगा ऑफ द एंगल एओबी. हाँ तो एंगल पीसीबी का मेजर आ गया मेरे को 35 डिग्री. हाँ चलो अगला काम अभी देखना है कि ये एंगल कौन सा कॉर्ड बना रहा है. ये एंगल बना रहा है, ये तो वैसे भी मिल जाएगा. ये रेडियस रेडियस है गाइस, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है. हाँ तो ये ट्रायंगल ट्रायंगल ओबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया. और एक एंगल पता है 60 डिग्री. हाँ तो ये भी 60 होगा और ये पूरा भी 60 होगा, लेकिन ये पूरा मेरे को चाहिए नहीं था एनीवे. हाँ तो चलो अभी ये वाला एंगल मिल जाएगा 60 और 35, 95 हो गया. हाँ तो आंसर आ जाएगा 180 माइनस 95, तो आंसर हो जाएगा 85 डिग्री विल बी द करेक्ट आंसर. हाँ तो जब भी इंटरसेक्शन ऑफ द टू कॉर्ड्स पे एंगल बनेगा हाँ तो हमेशा ये थॉट को ध्यान में रखना पड़ेगा. और एक दो एग्जांपल देखते हैं. लेट्स से एक सेकंड, एक बड़ा सा सर्कल बनाते हैं और एक कॉर्ड ए बी है, एक कॉर्ड आपको बी सी है, एक कॉर्ड आपको सी डी है. ए बी एंड बी सी एंड सी डी ये यहां पर इसका है सेंटर. एओ बी मिला दिया, एओ बी है आपको 50 डिग्री. बी ओ सी मिला दिया, ये है आपको 70 डिग्री. और एंगल सी ओ डी है, ये आपको
एक बार ये एंगल ऐड करके देखो, ऐड करने पे 180 बनता तो ये डायमीटर हो जाता, लेकिन ये एंगल हो रहा है 70 और 50, 120 और 40, 160। हाँ, ये जो लाइन एओडी होगा स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, मतलब ये डायमीटर नहीं है गाइस। चलो अगला थॉट। तो एंगल एओबी दिया हुआ है मेरे को 50 डिग्री, एंगल बीओसी आपको दिया हुआ है 70 डिग्री, और एंगल सीओडी दिया हुआ है आपको 40 डिग्री। अभी क्वेश्चन है, लेट से आई एम ज्वाइनिंग AC एंड आई एम ज्वाइनिंग आपको BD, ये दोनों को मिला दिया गया। AC एंड BD आर ज्वाइंट, AC एंड BD आर ज्वाइंट, इनको ज्वाइन किया गया एंड दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट P, दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट P। ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन है एंगल बीपीसी निकालना है, एंगल बीपीसी हैज टू बी फाउंड आउट, ये वाला एंगल चाहिए मेरे को। अगेन सबसे पहला थॉट सोच लो, हाँ ये जो भी एंगल आपको रिक्वायर्ड है, ये एंगल सेंटर पे नहीं बन रहा है, सरकमफ्रेंस पे नहीं बन रहा है, दिस एंगल इज बीइंग फॉर्मड एट द इंटरसेक्शन ऑफ द टू कॉर्ड्स। हमेशा स्टार्ट करने के लिए ऐसे सोच लेना चाहिए, इंटरसेक्शन ऑफ द टू कॉर्ड्स। हाँ, तो फिर से राउंड अबाउट वे में ही जाना पड़ेगा। हाँ, तो अगर ये एंगल निकालना है तो सबसे पहले मेरे को ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा, उसके बाद ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा, तब ऑटोमेटिकली एंगल बीपीसी मिल जाएगा यूजिंग द सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। हाँ चलो, हाँ पहले ये निकालेंगे, ये एंगल सीबीडी, एंगल सीबीडी निकालना है, एंगल सीबीडी। हाँ, जो ये एंगल ये सरकमफ्रेंस पे बन रहा है। हाँ, तो सबसे पहले खोजो कि ये एंगल सरकमफ्रेंस पे ही कौन सा कॉर्ड बना रहा है आपको, सीडी बना रहा है, आई होप आ रहा हो नजर, सीडी कॉर्ड सरकमफ्रेंस पे बना रहा है, और यही सीडी कॉर्ड सेंटर पे 40 डिग्री बना रहा है, सरकमफ्रेंस पे आधा बनाएगा, मतलब यहाँ पे 20 डिग्री होना चाहिए। चलो अभी ये वाला एंगल देखते हैं, ये एंगल का नाम है एसीबी, एसीबी एंगल एसीबी, और कौन सा कॉर्ड बनाने के लिए, एक आपको कॉमन सेंसिकल तरीका बताता हूँ, लोगों को होता है कंफ्यूजन कि ये कौन सा कॉर्ड बना रहा है। हाँ, तो सी तो एंगल में चला गया, हाँ तो जो बच गया वो आपको अब ये कॉर्ड होगा, मतलब ए बी कॉर्ड है गाइस, ए बी कॉर्ड आपको सरकमफ्रेंस पे एंगल एसीबी बना रहा है, और ए बी कॉर्ड सेंटर पे बना रहा है 50 डिग्री, तो यहाँ पे इसका आधा हो जाएगा, मतलब 25 डिग्री। हाँ, तो आंसर आ जाएगा, आंसर होगा 180 में से मेरे को माइनस करना पड़ेगा, तो योर आंसर विल बी 135 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। हाँ, तो अगेन एन एग्जांपल ऑफ जब भी एंगल इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉर्ड्स पे बनेगा, हाँ तो पहले ये आपको सरकमफ्रेंस वाला निकालना पड़ेगा, उसके बाद ये मिलेगा।